फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 का और ऑप्शन। अ लॉन्ग अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। आगे बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। तो आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल मींस हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये मिरर है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कॉनकेव है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इससे एफ आ गया, एफ इज आर बाय टू, 40 बाय टू दैट इज माइनस 20 सेंटीमीटर, एफ भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। तो हम मिरर फॉर्मूला लगा लें, यूजिंग मिरर फॉर्मूला वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ। हमें फाइंड करना है वी, तो वी को हम अलग अलग रख देते हैं और बाकी को साथ में ले लेते हैं। वन बाय एफ माइनस वन बाय यू, वन अपॉन एफ इज माइनस 20, माइनस को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है आगे। ये माइनस का साइन, वन अपॉन यू कितना है माइनस 5, तो ये माइनस 5, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हम एक स्टेप जंप कर ले, ठीक है। एलसीएम हो गया 20, यहाँ पर आ गया माइनस 1 प्लस 4 दैट इज 3/20। तो हमें मिला है 1 बाय वी इक्वल टू प्लस 3/20 दैट इज वी इक्वल टू 20/3। इसको डिवाइड करें 3 6 18 6.6666, तो 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया पोजीशन ऑफ इमेज 6.67 सेंटीमीटर और प्लस में आ रही है, ठीक है, मतलब उधर बनेगी बिहाइंड द मिरर। इसके बाद है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सेकंड पार्ट मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश इज साइज ऑफ इमेज, एच इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहां पर साइज ऑफ इमेज पूछा है, ध्यान दीजिएगा। जो सॉल्यूशन मिला है आपको, जो इसका सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशन दिए हैं वहां पर साइज ऑफ इमेज में सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाला है, लेकिन क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है इसका मतलब हमें इमेज की साइज निकालनी है एच डैश, ठीक है। हम मैग्निफिकेशन में निकालेंगे और एच डैश में निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, वी हम कौन सा लें, डेसिमल वाले से ऊपर वाला लेना, क्योंकि डेसिमल वाला लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। वी 20/3 और यू है -5, डिनोमिनेटर में -5, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 20 तो 4/3 मैग्निफिकेशन आ गया 4/3। अब हम साइज ऑफ इमेज भी निकालेंगे, एच डैश भी निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन 4/3 इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से एच डैश कितना आ गया 4 × 10 = 40 40/3 3 × 3 3 × 3 13.33 सेंटीमीटर इज साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन इज 4/3, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेना, मैग्निफिकेशन इज 4/3 एंड हाइट ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज इज 13.33। इसके बाद है रे डायग्राम बनाना टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज मेंशन इन पार्ट 1। तो अब हम यहां लेते हैं फोकस। फोकस हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करें, थोड़ा सा एफ को दूर ले रही हूं मैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए बनाना। ये है एफ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मिरर के इधर लेफ्ट साइड में, और ऑब्जेक्ट तो बहुत पास में ही है, पोल और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। रूल्स फॉलो करेंगे, इफ अ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। आप जरूर पेंसिल स्केल से बनाइएगा, मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, आप सही से पेंसिल स्केल यूज करके बनाना। दूसरा फॉलो करते हैं हम रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होता है, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। तो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये टॉप ऑब्जेक्ट का टॉप, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से जाके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमने देखा कि ये जो हमारी लाइट रेज है ये कहीं पे मीट नहीं हो रही, ऐसे जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है, तो हम उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें वो स्ट्रेट लाइन बनाइएगा स्केल से,
ये हमें मीट होती हुई दिखाई देंगी। वी हमारा है 6 करीब, मतलब 5 से थोड़ा दूर, ठीक है, तो सही बन रहा है। ये हो गया वी 6.67। यहां पर है ऑब्जेक्ट ओ और यहां पर है इमेज आई, ठीक है, कंप्लीट हमारा डायग्राम बन गया। फर्स्ट पार्ट में एक स्ट्रेट पर डॉट लिख लेना कि ये क्योंकि प्लस में है इसलिए इमेज इज फॉर्म 6.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आप स्टेटमेंट भी दें तो अच्छा रहेगा।